जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे रुक्मन की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम की जब हल्की फुल्की भूख हो, उस समय हमको उसके साथ में कुछ ऐसा नाश्ता मिल जाए जो हमको बनाना भी ना पड़े और हम उसको महीनों तक स्टोर कर सके और खाने में भी वो बहुत टेस्टी लगे, तो फिर क्या बात है। तो उन्हीं में से एक है ये नमकीन चिरोते, जिनको हम वर की पूड़ी भी बोलते हैं। ये खूब सारी लेयर के साथ में बन के तैयार होती है तो बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, इसके लिए मैंने बनाने के लिए जो लिया है वो एक कप, दो कप मैंने ये मैदा ले लिए, इस मेजरिंग कप से नापा है मैंने इसको। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ये 1/4 कप सूजी। ये जो नॉर्मल सूजी थी उसी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह बारीक सूजी ले लीजिए। ये इसमें डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून डाल दिए मैंने ये। 1/2 टीस्पून इसमें डाल देती हूँ मैं दरदरी काली मिर्च, आप चाहे तो इसका फाइन पाउडर भी बना के डाल सकते हैं, पर आप दरदरी डालेंगे तो वो बहुत टेस्टी लगेगी। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ये अजवाइन, यही जो छोटे वाले चम्मच है वो मैं 2 ले लेती हूँ, यानी जो खाने वाला चम्मच होता है नॉर्मल हमारा जिससे हम खाना खाते हैं, वो 1 चम्मच पूरा भर के ले लिया है मैंने। हल्का सा इनको हाथों से क्रश कर लीजिए, इससे जो अरोमा है वो बहुत ही बढ़िया आता है, निखर के आता है एकदम। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ये कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वैसे जो ये नमकीन चिरोते होते हैं इसमें इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। हम जो मठरी वगैरह बनाते हैं उसमें भी बहुत टेस्टी लगती है ये कसूरी मेथी, पर अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप मत डालिए, इसकी जगह आप हरे धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए आप इसमें नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम मोयन, पहले ये मैं घी का मोयन डाल रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है लेकिन ये पूरा 1 चम्मच भर के ही लिया है मैंने। जो खाने वाला चम्मच होता है नॉर्मली हमारे घर का, वो आप 3 चम्मच भर के डाल दीजिए तो वो होता है 1 टेबल स्पून। हम इसमें मोयन इतना ही डालेंगे, ज़्यादा मोयन नहीं डालना है, वो ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। आप चाहें तो इसको आटे से भी बना सकते हैं, पर मैं इसको मैदा से बना रही हूँ क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि मैदा से ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने आटे से भी ट्राई करके देखे थे, वो मुझे इतने बढ़िया नहीं लगे। अगर आप इसको आटे से बनाते तो फिर आप आटे को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और अच्छे से, और बिल्कुल मैदा जैसा कर लीजिए उसको बारीक बिल्कुल, फिर आप चाहें तो उसको आटे से भी बना सकते हैं। अब मैं ये पानी के साथ में इसको गूंथ लूँगी, मैंने वही मेजरिंग कप लिया है 1 कप, उस पूरे 1 कप से मेरा ये आटा गूंथ चुका है, इससे ज़्यादा मैंने इसमें नहीं यूज किया है पानी। और मैंने ये सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार किया है, जैसे आप इसको नरम भी मत गूंथिए, बिल्कुल पूरी जैसा आटा लगाना है आपको, ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है। और जो ये पानी लिया था मैंने, ये मैंने हल्का सा गुनगुना पानी लिया था इसके अंदर। अब इसको अच्छे से आप मतते हुए, इस तरह से मैंने 15 मिनट तक इसको अच्छे से मत लिया था। अब इसमें थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है हथेलियों के ऊपर, ये इस पर लगा देते हैं और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ढककर हम 15 मिनट के लिए। घी मैंने इसलिए लगाया कि जो ऊपर की लेयर है उसकी वो खुश्क ना हो हमारी। फिर देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया इस तरह से, इसमें हम डालते हैं मैदा, हम इसका साटा तैयार करेंगे जो हम बीच में लगाएंगे हमारी लेयर्स के, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप उस समय उसमें ज़्यादा मोयन मत डालिएगा। और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जितना साटा आपको लगता है उतना आप बना लीजिए, तो पहले थोड़ा बना लीजिए, अगर कम पड़ता है तो फिर और बना लीजिए। तो आप इस तरह से आप पहले मैदा लीजिए थोड़ी सी, उसमें ऑयल डालिए और अच्छे से इसका आप इसको पेस्ट से थोड़ा सा पतला बनाना है, ना ही तो आपको इसका घोल तैयार करना है ना ही पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और घोल थोड़ा पतला हो जाता है, तो जो मीडियम होता है उस तरह से आपको बना के तैयार करना है इसको। और इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, अगर ये कम पड़ जाए तो आप और बना लीजिएगा। जब इस तरह से हम मैदा में ऑयल डाल के बनाते हैं तो वो हमारा साटा तैयार हो जाता है, और जब उसी मैदा के अंदर हम पानी डाल देते हैं तो वो बन जाती है हमारी स्लरी, जिससे हम चिपकाने का काम करते हैं किसी चीज को, और जो ये साटा बनाते हैं ये लेयर्स को खोलने का काम करता है। तो हम इसमें ये साटा यूज करेंगे। तो अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए और इस तरह से देखिए ये बना के तैयार कर लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बनाना है। अब जो हमारा ये डो है इसको भी हो चुका है 15 मिनट, इसको फिर से हम एक बार अच्छे से मसाज दे देते हैं। पांच मिनट तक फिर से आप इसको इस तरह से मसाज दे दीजिए बढ़िया से।
तो देखिए मैंने ये कर लिए, अब इसको हम डिवाइड करेंगे दो भागों में। इस तरह से दो भागों में डिवाइड कर लीजिए। वो भाग थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा इसमें ये मिला देती हूँ। अब इसको तो हम साइड कर देते हैं, ढक के छोड़ देते हैं इसको। अब किचन का जो प्लेटफार्म है उसको अच्छे से आप साफ कर लीजिए, फिर उसके ऊपर इसको करते हुए मथते हुए इसका एक लंबा रोल तैयार कर लीजिए इस तरह से। ये मैंने लंबा रोल तैयार कर लिया है। अब इसकी बारीक बारीक लोइयां कट कर लीजिए आप, छोटी छोटी। जितनी लेयर्स का आपको बनाना है आप उतनी लेयर्स का बना सकते हैं। इसको चार लेयर्स का भी बना सकते हैं, पांच का भी या सात का। मैं सात लेयर से बना रही हूँ ये। जितना आप हैंडल कर सके उतनी लेयर्स का बना लीजिए। इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको सात लेयर का ही बनाना पड़ेगा। आप चार लेयर्स भी डाल सकते हैं या पांच लेयर भी डाल सकते हैं। दोनों तरह से, तीनों तरह से बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। फिर देखिए एक इस तरह से एक एक पेड़ा उठाइए और बिल्कुल पतला इसको रोटी की तरह बेल लीजिए। रोटी से भी पतला बेलना है आपको इसको, क्योंकि इसमें काफी लेयर्स लगेगी, तो बिल्कुल पतला बेलना है आपको इसको। और अगर आपका डो परफेक्ट होगा तो आपको ना ही तो इस पे सूखी मैदा डस्ट करनी पड़ेगी, ना ही कोई ऑयल वगैरह लगाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से। और अगर आपको लगे कि आपके डो से आपको इस तरह से बेल नहीं पा रहे, तो आप हल्के सी मैदा डस्ट कर लीजिए या हल्का सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए, पर ज़्यादा मैदा मत लगाइएगा आप उसमें। तो इस तरह से बेल के आपको तैयार कर लेना है। देखिए रोटी पूरी मैंने एकदम पतली रोटी बेली है, ये देखिए मैं दिखा देती हूँ। अब इस रोटी को हम उठाएंगे और एक प्लेट में रख देंगे साइड में, और इसी तरह से हमारी सारी रोटियां बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी रोटी कितनी सुंदर लग रही है दिखने में ये। तो इसी तरह से हमको सारी रोटियां बना लेनी है, फिर से हम बेल लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जब आप रोटी को बेलें तो आप बीच में से बिल्कुल भी ना बेलें उसको, इस तरह से कॉर्नर से बेलें आप उसको, ताकि जो कॉर्नर्स है वो पतले हों उसके। ये देखिए इस तरह से बेलन को साइड में रखें और इस तरह से कॉर्नर से बेलते जाएं, तो आपकी रोटी बढ़ती भी जाएगी मैदा की ये, और बहुत ही पतली बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने सारी रोटियां बना के इस तरह से तैयार कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या, मैंने जब ये रोटियां एक के ऊपर एक रखी तो कई बार क्या होता है कि ये चिपक जाती है, तो बिल्कुल हल्की सी मैंने मैदा डस्ट कर दी और उसके ऊपर इस तरह से इन रोटियों को मैं रखती गई। ज्यादा मैदा नहीं लगानी है, बिल्कुल चुटकी से भी कम लगानी है। तो देखिए रोटियां हमारी चिपकती नहीं है फिर बिल्कुल भी। और या आप चाहें तो इनको अलग अलग भी रख सकते हैं। अब हम एक एक रोटी को उठाते जाएंगे इस तरह से। अब जो हमारा साटा तैयार करा था हमने, वो इसके ऊपर लगा देते हैं। चम्मच से अच्छे से नहीं लगेगा ये, तो आप इसको हाथ से फैला लीजिए। इवनली फैलाना है, बिल्कुल अच्छे से फैला लीजिए पूरी रोटी के ऊपर। ये काली मिर्च का दाना आ गया, इसको मैंने हटा दिया है बीच में से। दरदरी करते समय कई बार रह जाती है मोटी काली मिर्च उसमें। इस तरह से अगर मोटा रह जाए काली मिर्च तो आप निकाल दीजिए, वरना आपकी रोटी को वो बीच में से वो फट जाएगी उससे रोटी। फिर दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख दीजिए इस तरह से, और इस तरह से वन बाय वन आप सभी रोटियां रखते जाइए, लेयर्स लगाते जाइए और ऊपर से उस पर साटा लगाते जाइए इस तरह से। तो आप वन बाय वन सभी रोटियां इसके ऊपर सेट कर दीजिए इस तरह से, साटा लगा लगा के। ज्यादा साटा भी नहीं लगाना है, बस पूरे पर इवनली फैलाना है आपको। रख देते हैं इसके ऊपर। और देखिए हमने बीच में मैदा लगाई तो हमारी रोटियां चिपकी भी नहीं है एक दूसरे से। तो मैंने सभी रोटियां एक के ऊपर एक लगा के तैयार कर ली है, सातों लेयर। अब जो सबसे लास्ट में है इस पर भी हमको साटा लगाना है, यहां पर भी।
साटा आपका कम हो जाएगी तो आप इसको और बना लीजिएगा। इसका वही हिसाब है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारे घी का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, जितना घी लगता जाता है हम यूज कर लेते हैं, तो वही साटे का हिसाब है। अगर ये कम पड़ जाए तो आप इसको फिर से बना लीजिए। फिर देखिए हल्के हाथों से सभी लेयर्स को आप पहले बिल्कुल पकड़ लीजिए अच्छे से बराबर, और फिर हाथों को रखिए हल्का और टाइट रोल बना के उसका तैयार कर लीजिए। एकदम हल्के हाथों से करना है ये काम आपको, और टाइट रोल बनाना है बिल्कुल इसका इस तरह से। इस तरह से बना के तैयार कर लीजिए और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से घुमाते जाइए। आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है वरना ये रोल खुल जाएगा। इसी तरह से एक डायरेक्शन में इसको आप इस तरह से घुमाते जाइए और लंबा करते जाइए इसको। ये मैदा है तो ये लंबा होता जाएगा। और देखिए ये कॉर्नर्स जो है यहाँ हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। आप चाहे तो पहले भी लगा सकते थे पूरी रोटी के कॉर्नर्स पे नीचे, ताकि अच्छे से चिपक जाए हमारा बिल्कुल। यहाँ आपको पानी लगाना है हल्का सा और अच्छे से इसको चिपका लेना है बिल्कुल, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो हमारी जो लेयर्स है वो खुले ना। अब इसको लंबा करते जाइए रोल को, इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते जाइए, तो ये अपने आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमको ये तैयार कर लेना है। फिर आप नाइफ की सहायता से छोटे छोटे इसके कट मार लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे लगाने हैं आपको, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने, क्योंकि आप जितने बड़े लगाएंगे आपकी बर्की पूड़ी या चिरोते जो भी आप इनको बोलना चाहें वो बहुत ही बड़े बनेंगे फिर। और इसमें लेयर्स भी हमने काफ़ी लगाई है, अगर आपकी 4 या 5 की लेयर होती तो वो थोड़े छोटे बनते, पर ये 7 लेयर गए इसलिए और बड़े बनेंगे। इस तरह से मैंने छोटे छोटे इनको कट कर लिए। अब इनको हम रख लेते हैं प्लेट में। इस तरह से अगर आपका ये खुल जाए तो आप फिर से इसमें हल्का सा पानी लगा दीजिए और उसको चिपका दीजिए। फिर देखिए आप एक उठाइए इसमें से, ये इसको गोल कीजिए और जिधर से हमारी लेयर होती है वो हिस्सा लीजिए बिल्कुल, जहां लेयर का कॉर्नर होता है बिल्कुल अपना, और हमारे यहाँ पाम की सहायता से इस तरह से इसको टेढ़ा आप प्रेस कर दीजिए। हथेली की सहायता से बिल्कुल टेढ़ा प्रेस करना है आपको इसको इस तरह से, सीधा ऊपर से नहीं दबाना है बिल्कुल, ताकि हमारी जो लेयर से वो अच्छे से खुल कर आए। इस तरह से आपको टेढ़ा दबाना है, देखिए और टेढ़ा इस तरह से दबाएं कि लेयर्स वो दब भी जाए और ऊपर से खुल भी जाए, ताकि हमारा कढ़ाई में जब इसको फ्राई करेंगे तो हमारा वो खुले ना। इस तरह से यहां से इसको टेढ़ा कर लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है 3 बार करके ये। इस तरह से देखिए मैंने ये सारे कर लिए। अब हम हमारा एक एक पेड़ा उठाएंगे और उसको बेलेंगे, क्योंकि अभी थोड़े से ये मोटे हैं तो इनको हल्का हल्का हम बेल लेते हैं प्रेस करके। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है, अगर ज्यादा जोर देके बेलेंगे तो आपकी जो लेयर्स है वो पूरी चिपक जाएगी एक दूसरे से। हल्के हाथों से बेलें आप बिल्कुल। तो पूड़ी से थोड़ा सा छोटा साइज रखना है आपको इसका, और इस तरह से बना के इसको तैयार कर लेना है। तो सभी को हम इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने सभी बना के तैयार कर लिए। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। कितनी सुंदर लग रही है ये दिखने में। तो देखिए मैंने ये ऑयल गरम कर लिया है। ये ऑयल मैंने एकदम हाई गरम नहीं करा है, हाई इसको मीडियम गरम करा है, ताकि जो हमारी वर्की पूड़ी इसमें हम डालें तो वो धीरे धीरे ऊपर आए और उसकी लेयर्स खुलती जाए। अगर आप तेज गरम ऑयल में डाल देंगे तो वो एकदम से ऊपर आ जाएगी, उसकी लेयर्स नहीं खुलेगी। अगर आपका ऑयल गरम तेज हो गया है तो कोई बात नहीं, आप गैस की फ्लेम को इस समय बंद कर दीजिए, हल्का सा उसको ठंडा कीजिए और फिर उसमें डालिए ये पूड़ियाँ। तो इस तरह से देखिए ये एकदम से ऊपर नहीं आई है डालती, अगर वो धीरे धीरे ऊपर आएगी तो उसकी लेयर्स जो है वो खुलती जाएगी। फिर एक चम्मच लीजिए इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर की तरफ डालते जाइए इन पर, इस लेयर्स के ऊपर, ताकि वो अच्छे से खुल सके हमारी लेयर्स।
इस तरह से आप इनको पहले स्लो फ्लेम पर और फिर मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई कर लीजिए। अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी लेयर्स लगाई है तो वो अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से आप क्रिस्पी फ्राई करेंगे तभी ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। तो अलट पलट के अच्छे से इनको आप फ्राई कर लीजिए, मीडियम फ्लेम पर ही करना है आपको ये काम, हाई फ्लेम मत कीजिएगा वरना वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से जो उसकी लेयर है वो कच्ची रह जाएगी, तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने अच्छे से इनको क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। वैसे जो हम मैदा से चीज बनाते हैं वो इतना कलर नहीं आता है ब्राउन उनका, लेकिन मैंने इनको खूब अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करा है तो इनका कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो देखिए हमारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत ही प्यारी लग रही है ये। तो ये हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आपको लेयर्स नजर आ रही होगी, कितनी अच्छी लग रही है दिखने में ये, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ी गर्म है, आप इस तरह से हाथ मत लगाइएगा इन पर। इसी तरह से सभी वर की पूड़ियां हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर इस समय आपको लगे कि आपका ऑयल तेज गर्म हो गया है तो आप एक बार उसको ठंडा कर लीजिएगा फिर डालिएगा उसके अंदर। तो देखिए मैंने ये दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है, इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और कितनी अच्छी लग रही है दिखने में देखिए ये, इनको भी डाल देते हैं और इनको सभी को हम फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए हमारी सभी वर की पूड़ियां बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया लग रही है और कितनी अच्छे से इनकी लेयर्स नजर आ रही है सभी की। तो आप भी इनको जरूर से बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिएगा। जय श्री श्याम।